Hi and welcome to I Design My Life. I'm Sumit and I'm a life and a business coach. आज मैं बात करने वाला हूँ उस fundamental चीज की जिस चीज पे आपका पूरा का पूरा business टिका हुआ है और वो चीज है customer need. जब मैं businesses के साथ काम करता हूँ मेरा first question यही होता है, भाई आप customer की कौन सी problem resolve कर रहे हो? तो भाई लोग जवाब देते हैं दो चीज़ें तीन चीज़ें, लेकिन मैंने मोटा मोटा पाया कि किसी के पास ना कोई कंसोलिडेटेड तरीका नहीं होता बता देने का है। दो तीन बातें बताते हैं, बहुत सारी ऐसी नीड्स होती हैं जो वो सेटिस्फाई भी कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होती है। जब उन्हें वो नीड्स पता नहीं होती हैं तो वो वाली नीड्स वो कस्टमर को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जब कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो कस्टमर ये सोचता है कि ये लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विस है वो कस्टमर की कौन कौन सी नीड पूरी कर रही है। चलिए अब नीड पे एक बात और बताता हूँ। कस्टमर आपका सामान तब खरीदता है जब उसकी नीड अर्जेंट होती है। कस्टमर आपका सामान नहीं खरीदता जब आपकी नीड होती है, जब उसकी नीड अर्जेंट होती है तो आपको किसी भी कस्टमर की अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट नीड पता करनी होती है। हो सकता है आपके पास 10 लिस्ट हो लेकिन उसमें से अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट लिस्ट कौन सी है, कौन सी उसकी प्रेसिंग नीड है जो उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको वो नीड आइडेंटिफाई करनी होती है। वो रिजल्व हो गई तो नेक्स्ट कौन सी प्रेसिंग नीड है जो उसे सबसे ज़्यादा दर्द देती है, आपको वो नीड रिजॉल्व करनी होती है। इसलिए आपके पास कस्टमर की नीड की लिस्ट होनी चाहिए। बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ काम करके, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम करके मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिस्ट में से आप पिक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कौन कौन सी उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है। उसके बाद उसमें देखिए कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी प्रेसिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रही है और इस तरीके से उसे हायरार्कियल ऑर्डर में अरेंज करिए। आपको इसका डाउनलोड लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं पूरे वीडियो के दौरान भी आपको बताता रहूँगा कि उसे यूटिलाइज कैसे करना है। तो इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपको क्लैरिटी होती है ना आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपका ना कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है कि कस्टमर से क्या बात करनी है, उसकी कौन सी प्रेसिंग नीड है, फिर आप उसी के अराउंड सारी बात करते हो ताकि आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उसे दिखा सको। इसलिए इस चीज़ की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्लीज़ ये वाली लिस्ट बना लीजिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ नीड्स होंगी जो आपने छोड़ रखी होंगी। हो सकता है वही आपकी विनिंग लीड हो और हो सकता है वही आपको डिफरेंशिएट करती हो, आपको अलग करती हो बाकी कॉम्पिटिशन से। तो चलिए कस्टमर की नीड को मैं अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर देता हूँ और उन कैटेगरीज के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला है डॉक्यूमेंट में आपको पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड लिस्ट मिल जाएगी जिससे आप चूज कर सकते हैं। तो कस्टमर की फंडामेंटली तीन नीड्स होती हैं, फंक्शनल नीड, इमोशनल नीड और लाइफ चेंजिंग नीड। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शनल नीड को उठाते हैं। फंक्शनल नीड का मतलब फंक्शन, जो किसी चीज़ के फंक्शन को आसान करती हो, जैसे कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए टाइम बचाती होगी। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है वॉशिंग मशीन, हो सकता है आपने अपने घर पे कुक रख रखी हो जो कि आपका टाइम सेव कर देती है, जो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल हैं सेविंग टाइम के। सो आपका प्रोडक्ट और सर्विस हो सकता है कस्टमर को टाइम बचा रहा हो। सेकेंड एग्जाम्पल, हो सकता है वो कोई चीज़ आपके कस्टमर के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हो, जैसे कि आपने अगर आप बिजनेस है तो आपने अपने लिए सीए रखा होगा जो आपके कंपनी के रिटर्न्स फाइल करता होगा। वो क्या करता है, वो आपके काम को आसान कर देता है, आपको पूरे टैक्स के लॉ समझने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे कुछ पैसे दे दो, वो आपको ये सर्विस दे देता है और आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है। आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है किसी की लाइफ सिंपल करता हो, तो ये वाला बेनिफिट देख लीजिए। हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी के लिए पैसे बनाता हो, जैसे कि MLM का बिजनेस होता है। MLM के बिजनेस में आप प्रोडक्ट बेचते हो और आप दूसरे से कहते हो भाई तू बेचेगा तो तुझे पैसे मिलेंगे,
तो हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरों के लिए पैसे बनाता हो। इसका एक एग्जाम्पल आपको ऐप का देता हूँ, आजकल आप डिस्कवरी 11 का ऐड देखते होंगे, वो एग्जाम्पल है, वो आपको पैसे बना के देता है, इसलिए वो एक प्रोडक्ट है जो आप खरीदने के लिए रेडी होते हो। जो चौथा एग्जाम्पल है वो हो सकता है आपका प्रोडक्ट किसी की कॉस्ट कम करता हो। जैसे कि आपने बहुत सारे डिस्काउंट कूपन्स की कंपनी देखी होंगी, जैसे ग्रुपॉन। ग्रुपॉन क्या करती है, कहीं से आप पिज़्ज़ा खरीद रहे हो तो आपको एक डिस्काउंट कूपन दे देती है, उससे क्या हो जाता है आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कस्टमर की कौन सी फंक्शनल नीड को सेटिस्फाई करता है। मैंने तो आपको चार ही बताए, आपको डॉक्यूमेंट में बहुत सारे मिलेंगे जो वो नीड को सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ नीड होती है इमोशनल नीड, कि भाई मेरे इमोशन सेटिस्फाई होते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस से। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि कुछ सर्विसेज होती हैं जो आपकी एंग्जाइटी को कम करती हैं, आपको परेशानी से बचाती हैं, मेंटल परेशानी से बचाती हैं, जिसमें लाइफ कोचिंग एक एग्जाम्पल होता है। लाइफ कोच क्या करता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ काम करता है, आपकी एंग्जाइटी को कम करता है, आपको आपके गोल्स की तरफ मूव करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। सेकेंड है इमोशनल नीड आपकी क्या होती है, भाई सोशल स्टेटस की भी नीड होती है। तो आपने देखा होगा कई लोग रोले की घड़ी पहनते हैं, उससे उन्हें क्या मिलता है, भाई टाइम तो वो भी वही दिखाती है जो आपकी घड़ी दिखाती है। एक दूसरा एग्जाम्पल की बात करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं जो आपको सोशल स्टेटस क्रिएट करती हैं, आपकी समाज में आपके हिसाब से एक इज्जत बनाती हैं, जैसे कि भाई आप जैगुआर गाड़ी ड्राइव करते हैं या आपके पास रोले की घड़ी है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको एक सोशल स्टेटस दिलाती हैं, आपकी इस इमोशनल नीड को पूरा करती हैं। आपकी एक इमोशनल नीड एंटरटेन होना भी होती है, तो भाई इसके लिए क्या होते हैं, आप मूवी जाते हैं, फेयर्स में जाते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, एंटरटेनमेंट मिलता है। तो ये उस तरीके का प्रोडक्ट होता है। मैंने यहाँ पे आपसे तीन डिस्कस करे, जब आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे आपको और मिल जाएंगे। तीसरी जो नीड होती है वो थी लाइफ चेंजिंग नीड, जिसे आप समझते हो कि जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, आपकी सेल्फ अवेकनिंग हो गई। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल नीड होती है, तो आप जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम करते हैं, श्री श्री रविशंकर जी के साथ काम करते हैं, तो आपकी क्या होती है वो स्पिरिचुअल नीड पूरी होती है। तो ये भी एक तरीके का आपका प्रोडक्ट है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट सर्विस किसी की ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। इसका एग्जाम्पल और क्या होता है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट किसी को मोटिवेट करता हो आगे बढ़ने के लिए। इस तरीके का क्या होगा, आप यूट्यूब पे गए, आपने किसी के चैनल पे सब्सक्राइब किया, तो वहाँ पे आपकी वो वाली नीड पूरी हो रही है। तो मैंने आप लोगों से तीन नीड की बात करी, फंक्शनल नीड, इमोशनल नीड और लाइफ चेंजिंग नीड। इसकी बहुत सारी सब कैटेगरीज हो सकती हैं जिसमें आप घुस सकते हैं और आप लिस्ट बाय लिस्ट पढ़ पढ़ के उस वाली चीज़ को तैयार कर सकते हैं। एक बार आप इस चीज़ को तैयार कर लेंगे तो मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन आपके कस्टमर के लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आप वो वाली नीड आइडेंटिफाई कर लें जो कोई और रिजॉल्व ना कर रहा हो, और आपने एक बार उसे इस चीज़ का मैसेज दिया तो हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। इसलिए ये इतनी वैल्यूएबल एक्सरसाइज है, क्योंकि पूरा आपका एड स्पेंड, एड स्पेंड मतलब एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मैसेजिंग, जिस तभी खर्चा हो रहा है, इन सब पे आपको पकड़ आ जाएगी और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके
बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे CA, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। सो इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।